नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। राजस्थान की क्रांतिकारी अपना टॉपिक रहेगा और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज होगी। तो सबसे पहले हम बिना कोई समय गवाए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। राजस्थान में हुरड़ा सम्मेलन कब हुआ? 1734 में। राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से, तो किस जगह पे कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे? तो एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिए हुए हैं। कोटा, मेजर बर्टन, सुमेलित करना है आपको, मिलान करना है। तो कोटा में कौन थे? मेजर बर्टन। जोधपुर में मोक मेसन, भरतपुर में मोरिसन, जयपुर में ईडन और जे डी होल थे ये सिरोही में। ये सभी सुमेलित हैं, इनको याद कर लें आप अच्छी तरह से। राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? तो उस समय जब 1857 की क्रांति थी उस समय राजस्थान में 6 छावनी बनी हुई थी। तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। नानी ये देख ब्यावर। नानी यानी नसीराबाद और नीमच हो गया नानी, ये देख एरिनपुरा और देवली हो गया, ये देख देवली और खेरवाड़ा, देख ये देख किसको? ब्यावर को। तो नानी ये देख ब्यावर, कोई बच्ची है जो अपनी नानी से कह रही है। तो ये आपके 6 छावनियाँ बिल्कुल याद हो गई। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो पहले भी डाला हुआ है, तो आज मैंने दोबारा आपको बता दिया थोड़ा मोटा मोटा। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद की छावनी में कौन सी बटालियन तैनात थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी उस समय। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये दिन जो था वो था 28 मई का 1857। कौन सी जो सैनिक छावनी थी वहाँ के सैनिक क्रांति के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए थे? तो वो थी एरिनपुरा छावनी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने कहाँ की सेना को परास्त किया था? तो ये जोधपुर की सेना को परास्त कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थल था वो कोटा था, और कोटा में क्रांति किसने की थी? जयदयाल और हरदयाल ने। मेजर बर्टन के दोनों पुत्रों की हत्या कहाँ कर दी गई थी? कोटा में। कविराज बांकीदास का संबंध किससे था? जोधपुर नरेश मान सिंह के कवि थे कवि बांकीदास। डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? तो सीकर से था इनका संबंध। देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिसे फांसी पर लटकाया गया वो कौन था? अमरचंद बाठिया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, विजय सिंह पथिक, भूप सिंह किसका नाम था? विजय सिंह पथिक का। और तो इनका गांव कौन सा था? बुलंदशहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इनकी कर्म भूमि रही राजस्थान, यानी इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ लेकिन इन्होंने काम किया वो किया राजस्थान में। क्रांति का संचालन ये जहाँ से कर रहे थे वो जगह थी राजस्थान। वीर भारत सभा राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान समाचार पत्र, ये जो समाचार पत्र थे राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इन समाचार पत्रों के माध्यम से किसने जागृति फैलाई थी? तो विजय सिंह पथिक ने। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी का संबंध किससे था? जयपुर से। 18 का जो अपना क्वेश्चन है वो है, जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने। 19 नंबर का अपना प्रश्न है कि वर्धमान विद्यालय और वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था इन संस्थाओं में, वर्धमान विद्यालय में, छात्रावास में और पुस्तकालय में। तो ये जो संस्था थी ये किससे संबंधित थी? अर्जुन लाल सेठी से।
किसने अर्जुनलाल सेठी को राज्य का प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की? तो जयपुर के महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने उनको कहा कि आप यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाओ। अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन भगाएगा, ये शब्द किसके थे? स्वयं अर्जुनलाल सेठी के थे। उन्होंने जो ऑफर मिले वो सब ठुकरा दिए थे और क्रांति में लगे रहे। शूद्र मुक्ति स्त्री मुक्ति महेंद्र कुमार पुस्तक किसने लिखी थी? अर्जुनलाल सेठी ने। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बाराठ की जन्मभूमि कौन सी है? शाहपुरा। 1930 में लॉर्ड करजन द्वारा बुलाई गई दिल्ली दरबार में आहूत दिल्ली दरबार बुलाया गया था, आहूत मतलब बुलाना, तो वहाँ शामिल होने से रोकने के लिए उदयपुर के महाराणा को संबोधित करते हुए 1300 सोरठे किसने लिखे थे? केसरी सिंह बाराठ ने। और इन सोरठों का नाम क्या था? चेतावनी रे चुंगटिया। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बाराठ ने। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले राजस्थान के क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बाराठ। सब कुछ बलिदान कर दिया था इन्होंने। बनारस कांड में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? प्रताप सिंह बाराठ। प्रताप सिंह बाराठ को किस कारागृह में रखा गया था? कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली में। राजस्थान के जतिन दास कौन कहलाते हैं? बाल मुकंद बिस्सा। और सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से। आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तकें किसने छपवाई थी? सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा शहीद हुए थे अप्रैल 1946 में। किस क्रांतिकारी को तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया था जेल में? सागरमल गोपा को। रास्तापाल की पाठशाला का संबंध है नाना भाई घाट से। रास्तापाल कांड का संबंध किस जिले से? डूंगरपुर प्रजामंडल से। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला डूंगरपुर। राजस्थान की महिला क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज का संबंध है सीकर से। अंजना देवी चौधरी का संबंध है सीकर से, ये महिला क्रांतिकारी हैं। रतन शास्त्री का संबंध है जयपुर से। रमा देवी का संबंध भी जयपुर से है। रतन शास्त्री हीरा लाल शास्त्री की पत्नी है। रमा देवी का संबंध है जयपुर से। कालीबाई का संबंध है डूंगरपुर से, जो कि अपने गुरु को बचाते हुए शहीद हो गई थी कालीबाई। कालीबाई भील का संबंध डूंगरपुर से है। कालीबाई भील ने अपने किस अध्यापक की जान बचाई थी? सेघाबाई के। महिला क्रांतिकारी किशोरी देवी का संबंध किससे है? तो कौन सा क्षेत्र है? शेखावाटी आंदोलन से। किशोरी देवी ने किसान आंदोलन कब किया था? 1934 में। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन का संबंध है भीलवाड़ा जिले से। बिजोलिया का मेवाड़ राज्य में, यानी बिजोलिया था वो मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, तो ये क्या था? बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से शुरू हुआ था और 1915 तक के प्रथम चरण चला, और अंतिम जो चरण रहा इसका वो 1941 तक चला। बिजोलिया के किस शासक ने 1903 में चवरी कर लगवा दिया था? चवरी कर यानी जब बेटी की शादी होती है, बच्ची की शादी होती है उस रियासत में, तो उस पिता को जिसकी बेटी की शादी होनी थी उसको चवरी कर देना पड़ता था, तो ये किसने लागू किया था? राव कृष्ण सिंह ने। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? 1916 में। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? 1917 में। कब हुई? 1917 में। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कौन से त्यौहार को हुई थी? हरियाली अमावस्या थी उस दिन, और ये हरियाली अमावस्या आती है श्रावण मास में। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किस समाचार पत्र के माध्यम से दिलाई थी? प्रताप नाम का समाचार पत्र था उसके माध्यम से। भेगू किसान आंदोलन का संबंध है मेवाड़ से। बोलशेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? भेगू किसान आंदोलन से। बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है भेगू किसान आंदोलन को। नीमू चाणा हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से? अलवर किसान आंदोलन से। महात्मा गांधी ने किस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित बताया था? नीमू चाणा हत्याकांड। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध है बूंदी से। नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर मदद मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल साबित हुआ हो और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। न्यू बिगनर्स आप हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच जाए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।